नगरी में हर चीज का कैसे हो ऐसी गोभी पालक और मेथी और मिठाई मोदक पेठे अच्छे अच्छे बर्फी मोतीचूर के लड्डू पीता बादाम सभी का कैसे आएगा ना बोल बोल के दफा देगा। ये बता जिस नगरी में सब चके शेर मिलता हो उस नगरी का राजा कौन है, क्या नाम है इसका? उसका नाम है चौपट राजा। अरे बाप रे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो अपने को नहीं रुकना है, हम नहीं रुक सकते। गुरुदेव मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैं तो यही रुकूंगा और यही भोजन करूंगा। देख बेटा गोविंदलाल, मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो चल, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं नहीं, मैं तो यही रुकूंगा इसी नगरी में। ये नगरी है चौपट राजा की नगरी। तो, क्या मतलब? एक मिनट, नगरी चौपट राजा की राजधानी है। अरे मैंने देखा है अभी अपनी त्रिकालदर्शी से मुझे कि एक बकरी के चक्कर में तुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अब मैंने एक और चीज देखी है। क्या? हाँ गुरुदेव, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। देख बेटा गोवर्धन दास, मुझे चढ़ा दीजिए। रुक गोवर्धन दास, मेरी उम्र भी हो चली है और मुझे चढ़ने दे फांसी पे भाई। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं भाई, मुझे गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं बेटा, देख मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दे फांसी नहीं, पे नहीं, नहीं, मैं चढ़ूंगा। खामोश खामोश, और गुरु गुरु घंटा, तूने इसके कान में ऐसा क्या मंत्र फूका कि ये अभी के अभी मरने के लिए तैयार हो गया? महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इस समय जो भी व्यक्ति मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। स्वर्ग महाराज, मैं भी मरना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दीजिए महाराज, मुझे चढ़ा दीजिए। तू मारेगा? नहीं महाराज, मुझे मार दीजिए महाराज। खामोश, स्वर्ग की सीट खाली है, है? है? अंधेरी नगरी में भी मेरा राज चलता है, स्वर्ग की सीट खाली है तो वहां भी मेरा राज चलेगा। कोई नहीं मरेगा, सभी कान मुझे फांसी पर चढ़ा दिया था। बात हंसने की नहीं है, बात है राय की। जल्दी करो मुहूर्त की, जल्दी करो, महाराज की जय हो, महाराज स्वर्ग गए। जोरदार तालियां।